ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मुखं करति वाचालं पङ्गुलङ्गते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 23 इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेशा इच्छा कुवंसावतीर्य गुरुर्निर्देशे तिष्ठन् वनं सदयितानुजाविवेश जस्मिन् विरुद्धदशकन्धरार्तिमार्चत। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंशों सहित महाराज इच्छाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री रामचंद्र वो अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से बन गए और अपने पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां पे रहे। अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति कई वर्षों तक अपराध किया और जिससे अंततः वो विनष्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग भगवान श्री रामचंद्र के विषय में सुनने जा रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मेंशन करते कि भगवान श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके भाई भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न उनके अंश। चारों भाई विष्णु तत्व है। वे कभी भी सामान्य प्राणी सामान्य मानव प्राणी नहीं रहे। रामायण के अनेक अनैतिक और अज्ञानी टीकाकार भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाइयों को सामान्य सामान्य जीवात्माएं बताते हैं, किंतु ईश्वरीय विज्ञान भगवत तत्व के सर्वाधिक प्रामाणिक शास्त्र इस श्रीमद् भागवतम में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उनके भाई उनके स्वांश थे। मूल रूप में भगवान श्री रामचंद्र वासुदेव के अवतार, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो मूल रूप से वासुदेव के अवतार लक्ष्मण संकर्षण है, भरत प्रद्युम्न तथा शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार है जो भगवान के अंश। लक्ष्मी जी सीता के रूप में भगवान की अंतरंगा शक्ति है। वे न तो सामान्य स्त्री है, न ही दुर्गा की बहिरंगा शक्ति के अवतार है। दुर्गा जी भगवान की बहिरंगा शक्ति और शिव जी की संगिनी है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 7 में कहा गया कि जब जब यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजामि। जब जब धर्म पालन में कमी आती है तब तब भगवान प्रकट होते। तो भगवान रामचंद्र भी ऐसे ही परिस्थितियों में प्रकट हुए। उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति के ही अंश स्वरूप भ्राता और लक्ष्मी जी सीता देवी थी। तो भगवान रामचंद्र को उनके पिता महाराज दशरथ ने अत्यंत अटपटी परिस्थितियों में बन जाने का आदेश दिया था। अटपटी परिस्थिति का अर्थ होता है महाराज दशरथ नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र बन जाए, किंतु कैकेयी या मंथरा की कुटिल चाल के कारण बाध्यवश दशरथ महाराज को भगवान रामचंद्र को वनवास भेजना पड़ा।
तो भगवान ने अर्थात भगवान रामचंद्र ने आदर्श पुत्र की भांति उनकी आज्ञा का पालन किया, यद्यपि उन्हें उस समय अयोध्या का राजा घोषित किया गया था ऑलरेडी। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की और उनकी शाश्वत पत्नी सीता ने भी वैसी इच्छा व्यक्त की। भगवान ने इन दोनों का आग्रह स्वीकार किया और इनके साथ लेकर दंडकारण्य वन में 14 वर्षों तक रहने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। वन में रहते हुए राम तथा रावण में संघर्ष हुआ और रावण ने राम की पत्नी सीता जी का अपहरण किया। इस संघर्ष का अंत महान शक्तिशाली रावण का उसके राज्य तथा परिवार समेत विनाश के साथ हुआ। सीता जी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी हैं, किंतु वे किसी अन्य जीव के द्वारा भोग्या नहीं है, वे समस्त जीवों द्वारा अपने पति रामचंद्र जी के साथ पूजनीय है। रावण जैसा भौतिकतावादी व्यक्ति इस महान सत्य को नहीं समझ पाता, उल्टे वो राम से सीता देवी को छीनकर कष्टों का आह्वान करता है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति ऐश्वर्य तथा संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं, वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि परमेश्वर की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का अपहरण शोषण रावण की नीति है। आजकल जो वर्तमान संसार में हम लोग देख पा रहे हैं, भगवान को हटाकर, भगवान कृष्ण को छोड़कर, भगवान राम को बीच से निकालकर अपने आप को भोक्ता या जगत का स्वामी बनना चाह रहे लोग। रावण अत्यंत समृद्ध था, यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनवाया था। हम लोग तो ईंट पत्थर से अपना घर निर्माण करते, रावण सोने की लंका, सोने से पूरा लंका बनाया था। चूंकि उसे भगवान रामचंद्र की श्रेष्ठता मान्य न थी और उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया, तब फलत वो मारा गया और उसके साथ उसका ऐश्वर्य तथा पराक्रम नष्ट हो गया। भगवान रामचंद्र 6 पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त अवतार है, इसीलिए उन्हें इस श्लोक में क्लेश क्लेश अर्थात समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी कहा गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे कि किस प्रकार ये जो जगत के जीवात्माएं जितने सारे हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं लेता, हरि नाम की माला नहीं जपते, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन नहीं करता, भगवान की कथा सुनने में जिनकी रुचि नहीं है, वो रावण के वंश परंपरा में आते हैं। इस संसार में कोई भी जन्मा जीव जो भगवान की भक्ति, भगवान की कथा में आसक्ति नहीं रखता, वो रावण की कैटेगरी में आते हैं और उनका भी वैसे ही नाश होगा जैसे रावण का हुआ था। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान की भक्ति में लगते हैं। आगे वर्णन किया जा रहा है, जस्मादराद्दूरी धूल भयांग बेपो मार्ग सपद्दी पुरंहर बद्दी दिदक्षो दूरे सुहिन्मति तरो सुसोन दृष्ट्वा तत्पमान मकरोरग चक्र नक्र चक्र। अर्थात दूरस्थ अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी भगवान श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर अर्थात शिव जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, उसके जैसे जलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। अपार समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य तथा मगरमच्छ सर्प तथा घड़ियाल भगवान के रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से जले जा रहे थे। तो हम लोग जानते हैं कि जब समुद्र भगवान इंडिया से श्रीलंका, हिंदुस्तान से रामेश्वरम से जब उस पार जाना चाह रहे थे लंका, तो समुद्र ने अपना रास्ता, समुद्र को बोला कि हमें रास्ता दीजिए, हमें उस पार जाना है। हम लोग तो जल में तैर नहीं सकते, तैर सकते हैं चल नहीं सकते, तो तैर के व्यक्ति कैसे जाएंगे, तो पूरा भीग जाएगा, चल के जाएंगे तो सब कुछ सामान लेके उस पार जा सकते हैं। तो भगवान ने समुद्र देव को कहा कि आप हमें रास्ता दीजिए, मुझे उस पार जाना है।
कुछ कार्य विशेष के लिए। तो भगवान की बात को जब उन्होंने सुना नहीं, तब तो इतना क्रोधित हुआ भगवान रामचंद्र कि उनके क्रोध लाल लाल अग्नि क्रोध से समुद्र में जितने सारे प्राणी थे, मगरमच्छ, मछली, सांप, जितने सारे सभी जलने लगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप रेगिस्तान में चले गए, पानी नहीं मिला और बहुत तेज धूप है, कैसा होगा, पूरा शरीर जलता रहेगा। तो ऐसे ही हाल हुआ था। तो उसने उन्हें शत्रु की नगरी में पहुंचने का सरल मार्ग दे दिया, कौन, समुद्र देव, जब भगवान रामचंद्र की ये क्रोधाग्नि देखा। तो निर्विशेषवादियों को भगवान की उग्र भाव पर आपत्ति हो सकती है, क्योंकि पूर्णता में नकारात्मकता देखना चाहते हैं। भगवान के परम होने से निर्विशेषवादी सोचते हैं कि भगवान में सांसारिक क्रोध भाव नहीं प्रकट होना चाहिए। अल्प ज्ञान के कारण ये लोग ये नहीं समझ पाते कि परम पुरुष की भावना, गुण और मात्रा की समस्त सांसारिक कल्पना से परे है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी, आप लोगों को सुनाई दे रहा मेरी आवाज? तो हम लोग भगवान रामचंद्र की महिमा श्रवण कर रहे हैं। यदि भगवान रामचंद्र की भावना संसारी होती तो सारा समुद्र तथा उसके जलचर क्यों विचलित होते? भगवान रामचंद्र जा रहे लंका में, तो लंका जाने के टाइम जब समुद्र देव उनको रास्ता नहीं दिया तो भगवान रामचंद्र बहुत क्रोधित हुए। इतना क्रोधित हुए कि सभी जलचर प्राणी जल रहे थे क्रोधाग्नि से। जैसे ठंडे के दिन में हम लोग को अग्नि प्यारा लगता है, अमृत की तरह, लेकिन गर्मी के दिन में वही अग्नि जब माताजी लोग रसोई करते हैं तो बहुत बेचैनी होती। इससे अच्छा मायापुर में जाके फ्री प्रसादम 40 रुपया देके कूपन काट के प्रसादम पैक किया, उतना झंझट है ये सब रसोई करना। तो गर्मी के दिन में वही अग्नि हम लोगों को जलाती है और ठंडे के दिन में हम लोग बहुत अच्छा लगता है अग्नि। तो भगवान रामचंद्र इतना क्रोधित हुआ जब समुद्र देव ने उनको रास्ता नहीं दिया। तो मायावादी लोग बोलते हैं कि अरे भगवान, अगर भगवान है रामचंद्र, अगर भगवान है तो हमारी तरफ क्रोधित क्यों होते? तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि भगवान का क्रोध संसारी क्रोध नहीं है, हमारी तरह क्रोध नहीं है। हमारा क्रोध क्यों होता है? हमारी कुछ इच्छाएं होती है, जब पूरा नहीं होता तब क्रोध आता है। लेकिन भगवान का क्रोध अलग है। भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, सीता माता को उनकी रक्षा करने के लिए उस पार जा रहे हैं, और रावण जैसे दुष्ट आत्माओं को विनाश करने के लिए उस पार जा रहे थे। तो इसमें जब समुद्र देव सहयोग नहीं किए तब उन पर क्रोध आया, तो इसे संसारी क्रोध नहीं कहा जाता। भगवान का क्रोध अगर संसारी होता तो हमारे क्रोध से कोई व्यक्ति जलता नहीं। अगर मैं अभी शताब्दी माता जी के ऊपर अगर बहुत क्रोधित हुआ तो उनका शरीर थोड़ी अग्नि की तरह दग्धीभूत होता जाएगा, वो तो आराम से ठंडे दिमाग में रहेंगे, उनका शरीर जैसा ठंडा ही रहेगा ठंडे के दिन में। लेकिन भगवान का क्रोध, जैसे देखिए जलचर प्राणी, मगरमच्छ, सांप, मछली, सभी जल रहे हैं कि हे भगवान शांत हो जाइए, हम आप लोगों को रास्ता दे रहे हैं, पूरा बानर समेत आप लंका में आइए। तो ये ऐसे कारण है भगवान की और हम में। तो जिनके द्वारा सगुण तथा निर्गुण विचारधाराओं के अनुसार परम सत्य में अंतर किया जाना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है।
कि परम सत्य ही प्रत्येक वस्तु का मूल है। अतः परम पुरुष नश्वर संसार में प्रतिबिंबित भावनाओं से भी नहीं हो सकता। तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद इतना कष्ट करके इतने सारे तात्पर्य इसीलिए लिखे क्योंकि जगत में बहुत सारे नास्तिक है जिनको सरल भाव से, सरलता से भगवान की महिमा सुनने में रुचि नहीं होता। उनको थोड़ा सा कड़ाई से उदाहरण के माध्यम से समझाना पड़ता है, तब व्यक्ति समझता अच्छा भगवान ऐसे है, ओके अब समझ में आया। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद इतना कष्ट करके इतने सारे एग्जाम्पल, इतने सारे उदाहरण दे दे के समझा रहे। तो श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे कि भागवतम में कहा गया है कि जन्मादश्य जत, आप मोबाइल को ऐसे कीजिए माता जी, मोबाइल आप लोग का ऐसे है ना, ऐसे कीजिए। तो परम सत्य जो होते हैं, परम सत्य, सत्य मतलब इस संसार का सत्य, और परम सत्य मतलब भगवान ही एकमात्र परम सत्य है। हम सब कभी झूठ बोलते तो कभी सत्य बोलते हैं, इसीलिए हम लोग परम सत्य नहीं, लेकिन भगवान हर समय सत्य ही बोलते हैं, इसीलिए उसको परम सत्य कह रहे हैं। तो इस संसार में जितना कुछ दिखने को मिल रहा है, पेड़ पौधा, हाथी, बाघ, जंगल, नदी, पेड़ पौध, आपका हिमालय, कैलाश पर्वत, जितना कुछ इस संसार में दिखता है सब कुछ भगवान के धाम में, आध्यात्मिक जगत में है। तो उसको देखकर ब्रह्मा जी ने रचना किया इस संसार का। क्यों रचना किए, रचना करने के पीछे कारण क्या? रचना करने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि जीवात्माएं भगवत धाम में चाहते हैं कि मैं भी गोपियों के साथ थोड़ा डांस करना चाहता, जैसे भगवान श्री कृष्ण करते। तो भगवान श्री कृष्ण तो हृदय, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में अवस्थित होते हैं। अच्छा तुमको डांस करना है तो चलो माया के लाठी खिलाना है। तो अभी भगवान बोलते तुम्हारे लिए तो नकल प्लेस निर्माण करना है, क्योंकि इस जगत में तो भगवत धाम में एकमात्र एकला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त, भगवान श्री कृष्ण एकमात्र परमेश्वर है, बाकी सब दास है, सभी सर्वेंट है। लेकिन जीवात्मा भूल जाते कि अरे मैं भी मैं सर्वेंट क्यों रहूं, प्रत्येक समय मुझे भी तो कभी कभी गोपियों के साथ नाचना है। तो बोले कि ठीक, तुम्हारी वही इच्छा है गोपियों के साथ नाचना है, तो जाओ तुम कभी गोपी बनोगे तो कभी गोपा बनोगे, मतलब कभी पुरुष बनोगे तो कभी नारी बनोगे। अभी नारी का चिंतन करते करते आए इस संसार में, आप नारी बन गए, पुरुष बने। आ चलिए आपको नारियों के साथ भोग करना है, भगवान बोलते ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक इंतजाम किया हूँ, वहां पे जाओ, तुम्हारी पत्नी होगी, बच्चे होंगे, पैसा नहीं दोगे समय पे तो पत्नी का ताना सहेंगे, वो बच्चे रोते रहेंगे। हाँ बोले क्या ऐसे बेरोजगार कहाँ का, कुछ कमाता बनवाता नहीं, शादी कर लिया, ऐसे करके पत्नी का ताना सुनते रहेंगे। फिर उसके बाद अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्ति हो जाएगा, आसक्ति होने के बाद मरेंगे, वो मरने के टाइम हाय रे मेरी पत्नी, तुम मेरी कितनी प्यारी थी, तुम मुझसे पहले ही चले गए, अभी उनकी चिंता में। नारी चिंतन करते 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 उनका देहांत हो, अगले जीवन में बन के आई एक लड़की, अभी वो लड़की, अभी उनको चाहिए एक लड़का, एक पुरुष की आसक्ति उनके अंदर हो गई, अभी वो पुरुष के संसार में मुझे चाहिए एक बॉयफ्रेंड, कृष्ण को बॉयफ्रेंड के रूप में नहीं चाहिए, मुझे के संसार के जीव को चाहिए। अगर कृष्ण को बॉयफ्रेंड के रूप में अगर वो चाहते तब तो उनका जीवन ही संवर जाता। मैं जब ब्रह्मचारी आश्रम में था अबाउट 2014 में मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया, अभी तो 2023 चल रहा है। तो मैं भक्ति विजय महाराज को पूछा, बेनुधारी प्रभु को, महाराज यहाँ पे तो बहुत सारे फॉरेनर आ रहे हैं हमारे मायापुर में, तो वो लोग कितने भक्त हैं ना, अमेरिका, इंग्लैंड, सबको धाम छोड़ के राधा माधव को कितना प्यार करते हैं, तो उनके दिल में कोई दूसरा कोई मेटेरियल पर्सन नहीं है क्या? बोले कि आपको क्या पता, तिलक माला लगा लिया सब कुछ, लेकिन हृदय में अभी भी संसारी पुरुष को चाहिए सब।
अगर डायरेक्ट अगर सिर्फ कृष्ण को ही पुरुष रूप में चाहते हैं ना, तब तो शुद्ध भक्त बन जाता। यही तो अंतर है शुद्ध भक्त और साधारण भक्त में। जो भक्त होते हैं उनको दोनों चीज चाहिए, जैसे देवता, जो देवता होते हैं देवता को मेटेरियल ऑपुलेंस भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए, इसीलिए उनको स्वर्गलोक में रखा जाता है। लेकिन जो भगवान के परम भक्त होते हैं, जिनको एकमात्र कृष्ण सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान उनको अपना धाम दे देते हैं, भगवत धाम दे देते। तो एक्चुअली भगवान सबके लिए रास्ता खोल के रखा है। तुमको मुंबई जाना है या अमेरिका जाना है या कलकत्ता जाना है, सब ट्रेन हावड़ा स्टेशन में मिलता है। अभी आपको देखना है कहाँ जाना है। तो ये पृथ्वी लोक एक ऐसा प्लेस है, यहाँ पे सब जगह जाने का ट्रेन मिलता है। स्वर्गलोक जाने का है, ठीक है, दान पुण्य करो, थोड़ा सा आप यज्ञ करो, और अगर भगवत धाम जाना है तो भक्ति करो, नरक जाना है तो शराब पियो, पाप करो, छेड़खानी करो। तो इस प्रकार इस संसार में हर जगह ये सब प्लेटफॉर्म है, हावड़ा स्टेशन, आपको जहां जाना है सब जगह जा सकते। तो पृथ्वी लोक में आना, मनुष्य रूप में आना, इसका अर्थ यह है कि हम लोग जहां चाहे वहां जा सकते हैं, भगवान के धाम भी जा सकते हैं, पुनः अगले जीवन में कुत्ता बन के आ सकते हैं, या कभी स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में, कभी पुरुष के रूप में तो कभी स्त्री के रूप में। तो ये जो सर्किल है, ये चक्र चलता रहता है। ये चक्रों को मिटाने का एक ही उपाय, वो उपाय है भगवान की लीला कथा को बारंबार सुनना। जितना हम लोग सुनेंगे, जितना सुनेंगे, तो सुनते 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 इतना अनुभव आ जाएगा लाइफ में, अपने जीवन में, कि भोग्य वस्तु सामने रहने के बावजूद भी कोई मतलब आसक्ति नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल, जब हम लोग किसी दूसरे के शादी की पार्टी में जाते हैं, एक वैष्णव पार्टी में, ऐसे में तो हम लोग अभी वैष्णव है, मतलब वैष्णव पार्टी में जाएंगे, तो हम लोग सोचते हैं क्या क्या आइटम बना है, खाएंगे। लेकिन अगर हमारे खुद के घर में अगर शादी हो, तो अपनी बेटी का शादी हो, तो खाने में रुचि आता है, वो दूसरों को खिलाने में रुचि आता है कि अरे उनका पेट भरा तो अभिशाप तो नहीं देगा हम, मेरी बेटी नहीं तो डिवोर्स हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, पेट बिना पेट भर के गए तो उस समय क्या चिंता रहता है, आसक्ति नहीं। वही वही समोसा, वही फुचका, वही चटनी, वही राइस दाल पूड़ी सब्जी सब कुछ है। लेकिन अपने घर में जब शादी होगा तो खाने में भी उतना कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन दूसरे घर में जाएंगे एक साड़ी लेके या धोती लेके या पैसा काम में भर के आ गए, इतना 500 रुपया का लेके आया, 100 रुपया का खाएंगे भी नहीं, ठीक है, तो उनका एक चिंता रहता है, लेकिन अपने घर में चिंता नहीं। तो विषय वस्तु ये है, जब हम लोग जितना भगवान की लीला कथा श्रवण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जब श्रवण करेंगे, तो वही बच्चे, वही पति, वही नाती, वही पोता, वही दामाद, वही सब कुछ रहेगा, लेकिन फिर भी कोई आसक्ति नहीं, कृष्ण प्रेम रहेगा। ऐसा नहीं कि ये सब वैराग्य छोड़ के हम लोग वनवासी बन जाएंगे, ऐसा नहीं, सभी साथ में रहेगा, लेकिन अनुभव भगवान के साथ रहेगा। ये सब क्यों, हम हमें यही पर रहना है, साथ में रहना है, भक्ति करना है और प्रीति रखना है कृष्ण के साथ। हम लोग जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, जब रघुनाथ दास गोस्वामी बारंबार जगन्नाथपुरी आ रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोले कि छाड़ो मर्कट वैराग्य, ये मर्कट वैराग्य छोड़ो, बंदर का वैराग्य, और घर जाओ और एक सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, एक साधारण जीवन बिताओ। साधारण जीवन बिताओ मतलब अंतर निष्ठा करी बाह्य लोक व्यवहार, अपने हृदय में राधा कृष्ण की प्रेम रखो और बाहर में लोक व्यवहार। लोक व्यवहार का अर्थ होता है वही ट्रेन में चलना, वही टिकट काटना, अरे मैं भगवत धाम के पास हूँ इसका मतलब बिना टिकट के हमें ट्रेन चढ़ने देंगे, लोक व्यवहार करना है, बाहर के लिए टिकट भी करना है, रिजर्वेशन भी करना है, टोटो में बैठना है। ऐसा नहीं कि भगवत धाम के आस वासी मतलब उड़ उड़ के जाएंगे नवद्वीप, गंगा पार करेंगे उड़ के, आपको टोटो में बैठना है, नौका में पार होना है, तो बाह्य लोक व्यवहार जैसे साधारण लोग करते हो वैसे, लेकिन अंतर में हृदय में निष्ठा रहेगा किसके साथ, भगवान के साथ। तो अंतर में निष्ठा कैसे होगा,
जब हम लोग हरि कथा श्रवण करें, हरि कथा को सुनें, क्योंकि कथा ही एकमात्र एक औषध है इस भव रोग का। जैसे ही थोड़ा सा बंद करेंगे, जैसे फिर क्राइम पेट्रोल आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फुर्सत मिला तो ही अनूप सोनी आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है। हाँ चलिए, मन जब रजोगुण में रहे तो थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन जब मन सतोगुण में आ जाए तो तुरंत उसको ग्रंथ पढ़ने में लगना चाहिए, या हरि कथा में, हरि कथा सुनने में रुचि लेना चाहिए। मान लीजिए कि आपका मन अभी इतना रजोगुणी हो चुका है, नहीं, मुझे तो एक फिल्म गाना याद आ रहा है बाजीगर वाला, मुझे वो सुनना है, मन नहीं मान रहा है, तो ठीक है सुन लो, क्योंकि वैदिक चीज आप ज्यादा देर तक कर नहीं पाएंगे। जैसे हरि कथा, हरि नाम, ऐसा चीज आप कितना भी करेंगे आपको कभी थकान नहीं होगा, वो सर्वदा अतृप्त ही रहते, मतलब वो करते जाएंगे फिर भी कभी, अरे कितना बार हरे कृष्ण बोला, 10 साल से हरे कृष्ण वही नाम जप रहा हूं, ये बेकार है, ऐसा फील नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये अमृत, वो चिन्मय। लेकिन जैसे बाजीगर का गाना, चल अच्छा ठीक है, बाजीगर का याद है, चल सुनो, पहले छोटा बच्चा जब शादी हो रहा था, शादी घर में, गांव घर में इसे बजता था बाजीगर का गाना, तो अभी भी याद आ रहा है। ठीक है, यूट्यूब है तो खोल के सुन लो, जैसे थोड़ा 2 मिनट सुनेंगे, एक कली सुनेंगे, सेकंड कली जाने से पहले बस अरे बंद करो इसे, फिर हरि नाम में लग जाओ। क्योंकि रजोगुणी जब मन बन जाता है तब तो उसको हम पूरी तरह से तुरंत सतगुण में नहीं ला सकते। रजोगुण जब मन है तो उसको रजोगुण के अनुसार ही काम करने देना है, वो तुरंत थक जाएगा तो फिर सतगुण में आ जाइए। ठीक है, एनीवे, तो भगवान जो है समस्त वस्तु के परम स्रोत है। परमेश्वर में पाई जाने वाली विभिन्न रसानुभूतियां, चाहे क्रोध का हो या करुणा की, गुणात्मक दृष्टिकोण से समान प्रभाव डालती है। दूसरे शब्दों में, इन अनुभूतियों में कि अनुभूतियों के गुणों में कोई सांसारिक अंतर नहीं होता, भले ही ये सभी परम पद पर होती है। ऐसी अनुभूतियां परमेश्वर में निश्चय ही अनुपस्थित नहीं रहती, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं और दिव्य जगत के विषय में संसारी अनुमान लगाते हैं। इस संबंध में मुझे नारद मुनि का वो घटना याद आया। जब चल रहा था राजसूय यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ चलने के टाइम शिशुपाल को वध कर दिया भगवान अपने सुदर्शन चक्र से, तो शिशुपाल की जो आत्मा है वो भगवान के चरण कमल में प्रवेश किया। तो युधिष्ठिर महाराज अपनी आंखों से ये चीज देखे, तो युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य हो गए, क्या बात है, सारा जीवन भर जो व्यक्ति गाली दिया था भगवान को, जब उनको बोलना तक नहीं आता था, ओले कितना, तो उस समय भगवान को गाली, ये दोदला तो इतना होता नहीं है, जब तोतला तोतला बोलते थे तब से कृष्ण को गाली देते थे, और मरने के बाद तुरंत भगवान के धाम में चले गए। अरे लोग तो हजारों करोड़ों वर्षों तक गुफाओं में ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, तब उनको भगवत प्राप्ति होती है, और ये सारा जीवन भर भगवान को गाली दिया, फिर भी भगवान के शरीर में विलीन हो गए, क्या बात, क्या है। तो नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भरी सभा में कि गुरुदेव, आपको तो पता है, आप त्रिकालदर्शी हैं, हमें बताइए कि इसका रहस्य क्या है। तो नारद मुनि A to Z सब कुछ डिस्क्रिप्शन दिया प्रहलाद महाराज के बारे में, लाइक दैट कैसे कैसे जय विजय का ये हुआ, फिर हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष के रूप में आया, फिर रावण कुंभकर्ण के रूप में आया, फिर दंतवक्र शिशुपाल के रूप में आया। तो नारद मुनि बोले कि युधिष्ठिर, बात ऐसा है, जो परम होते हैं वो सभी दृष्टिकोण को, मतलब सभी चीज को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं। एग्जाम्पल, आप भगवान को गाली दे या भगवान का गुणगान करें, उनके लिए वो समान है,
भगवान अद्वैय हमारे लिए किया क्या होता है, अगर हमें कोई बोले जगन्नाथ यू आर नॉट ए गुड पर्सन, तो मुझे थोड़ा सा वेट फील होगा, अरे हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमियां देखी है जिसके कारण इन्होंने मुझे ये चीज बोला। और कोई बोलेंगे प्रभु जी सच में आप इतना दिन बाद आज जूम क्लास में आए, हम तो धन्य हो गए, तो मन थोड़ा प्रसन्नता आती है। तो ये प्रशंसा का एक फीलिंग और अपमान करने का एक फीलिंग, हमारा जो लेवल है हम लोग कभी बैड फील करते हैं और अच्छा फील करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो है ये दोनों का रचयिता है, मतलब दोनों का स्रोत है। जैसे विद्युत जो होता है इलेक्ट्रिक, वो ठंडा पानी भी करते हैं और गर्म पानी भी करते हैं, हीटर रूम को गर्म भी कर देते हैं और फ्रिज के अंदर ठंडा पानी भी निकलता है, विद्युत वही है। तो दोनों का स्रोत विद्युत है, ठंडा पानी का भी स्रोत विद्युत है और गर्म पानी का भी स्रोत विद्युत है। तो जो ठंडा पानी है वो ठंडा पानी का काम करेगा और गर्म पानी का काम करेगा, अच्छा प्रशंसा व्यक्ति को अच्छा फील करवाएगा और अपमान व्यक्ति को बैड फील कराएंगे। ठंडा पानी का काम ठंडा पानी और गर्म पानी का काम गर्म पानी, किंतु तो विद्युत के लिए कोई प्रभाव नहीं है, वो गर्म या ठंडा से उसका कोई मतलब, वो नेचुरल है। तो कृष्ण जो है वो ठंडा गर्म के ऊपर है, भगवान कृष्ण जो है चाहे शिशुपाल सारा जीवन भर उनको गाली दिया या श्रीमती राधा रानी सारा जीवन भर या गोपियां प्रत्येक क्षण उनकी महिमा का कीर्तन किए, दोनों का सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस थोड़ा सा है। वो डिफरेंस क्या है, शास्त्रों में कहा गया है कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम्। अगर हम लोग अनुकूल रूप से भगवान की महिमा कीर्तन करते हैं तो भगवान हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, और अगर कोई प्रतिकूल के साथ भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं तो भगवान प्रेम का आदान प्रदान नहीं करते, जस्ट वो कुछ लेके आया तो वो रिटर्न किए। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए मैं आपसे 10,000 रुपया लोन लिया, ठीक है, और बार बार आप, अच्छा चलिए आप नहीं बोला कि प्रभु जी आप रिटर्न कर दीजिए रिटर्न कर दीजिए, अच्छा आप नहीं बोले, तो 2 महीने का वक्त दिया तो मैंने आपसे लिया, तो मुझे इतना क्रोध आया, माता जी जो है ना बार बार बोलते हैं किसी जिसे खरीद लिया मुझसे, ठीक। तो अगर मैं आपके घर में गया क्रोध से, लो आपका 10,000 रुपया, रोज रोज एक ही चीज बार बार बोलते हैं, तो अगर मैं आपको अगर गुस्सा करके भी 10,000 रुपया दे दूं ना, फिर भी आप उसे स्वीकार करेंगे, और अगर मैं प्रेम से जाके हरे कृष्ण माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे विषम परिस्थिति में 10,000 रुपया दिया था, ये लीजिए आपका पैसा, तो भी आप स्वीकार करें, क्योंकि पैसा पैसा है, आपका पैसा है, आपकी मेहनत की कमाई है, चाहे मैं गुस्सा से दूं या प्रेम से दूं। आप ऐसा नहीं कि मैं गुस्सा से पैसा दे दूं आप पैसा को डस्टबिन में डाल देंगे, पैसा मनी इज बेटर देन हनी, मधु से भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है पैसा। तो विषय वस्तु यह है कि अगर मैं गुस्सा से दूं या प्रेम से दूं, चीज मुझे एक चीज मिल रहा है, क्या धन रुपया, रुपया चाहे मुझे गुस्सा से मिले रुपया चाहे मुझे प्रेम से मिले, तो भगवान भी वैसे ही है। कृष्ण चाहे कोई उनका चिंतन प्रतिकूल भाव से करे, कंस जैसे सब समय पता नहीं कब आके मार देगा, ये तो नारद मुनि भविष्यवाणी किया था देव जी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, पता नहीं क्या होगा मेरा किस दिन मृत्यु आ जाएगा, सब समय कृष्ण चिंतन करते थे, लेकिन भगवान उसे पॉजिटिव ले लिया कि वो मेरा चिंतन तो कर रहा है चाहे डर से करे। गोपियां भी चिंतन करती थी और कंस भी चिंतन करते, गोपियों का चिंतन भगवान को प्रेम दिया इसका, और जैसे इसको पूरा करते हैं, गुस्सा से अगर मैं आपको दे दूं ना पैसा
तो जब दोबारा आपसे मांगने जाऊं तो आप मुझे कभी देंगे नहीं पैसे। एक बार हो गया बस फिनिश। तो साजुज्य मुक्ति भी वैसा ही है। प्रतिकूल भाव से आपने भक्ति किया, प्रतिकूल रूप से कृष्ण चिंतन किया, तो आपको साजुज्य मुक्ति मिल गया। एक बार मुक्ति हो गया और कभी वहां से आप रिटर्न नहीं आ सकते, लटक गए वहीं पर। पांच प्रकार के मुक्ति होता है। साजुज्य मुक्ति मतलब विलीन हो जाना, जिसे समंदर है उसमें एक गिलास पानी डाल दो तो पूरा पानी मिक्स हो गया, ठीक है। तो साजुज्य मुक्ति लाइक दैट। तो जो राक्षस होते हैं, जो असुर होते हैं, जो भगवान के साथ टक्कर होता है, जैसे रावण का, कुंभकर्ण का, कंस का, ये सब जो है ना, ये असुर है। तो असुर के साथ जो भगवान का जो टक्कर होता है, ये भगवान के शरीर में विलीन हो जाता है, जैसे समुद्र के पानी में एक गिलास पानी मिला दिया जाए। पहला है साजुज्य मुक्ति, जो भक्तगण नहीं चाहते। दूसरा है सारूप। सारूप का अर्थ होता है भगवान का जैसा रूप है चतुर्भुज नारायण, वैसा रूप व्यक्ति को मिल जाता है वैकुंठ में। वो एक मुक्ति है। मुक्ति पांच प्रकार के, साजुज्य, सारूप। थर्ड है साष्टी। साष्टी का अर्थ होता है भगवान का जैसा ऐश्वर्य, जितना धन संपत्ति वैसा ही उनको मिल जाता है। वो चाहे तो ग्रह लोक का निर्माण कर सकते। तो सायुज्य, सारूप, साष्टी, फिर सालोक। सालोक का अर्थ होता है भगवान जिस लोक में है वो भी वही उसी लोक में रहता है। जैसे भगवान अभी भगवत धाम में है, हम लोग इस पृथ्वी लोक में है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, या भारत देश में। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे, लीला करके चले गए। लेकिन सालोक मुक्ति का अर्थ होता है भगवान आए, चैतन्य महाप्रभु भी चले गए, भक्त भी उसके साथ चले गए। या अगर गोलोक वृंदावन में है तो भक्त भी उसी जगह में। तो ये सालोक क्या क्या हुआ? साजुज्य, सारूप, सालोक, साष्टी, और क्या है एक मुक्ति याद है? साजुज्य, सारूप, सालोक, साष्टी, याद नहीं आ रहा कि साजुज्य मतलब मिल जाना, सारूप मतलब भगवान जैसे रूप प्राप्त करना, सालक को मतलब उनके लोक में रहना, साष्टी मतलब धन सम। अच्छा, जो भी है, याद क्यों नहीं आ रहा? पता है माता जी, आपका म्यूट है, आप पहले अनम्यूट हो जाइए तब आवाज आएगा। कि नहीं हो रहा है? ओके कीजिए। हाँ, नाइस। हाँ अमित भी है। अच्छा यस, वेरी नाइस। मैं अभी भक्ति रसामृत सिंधु निकालने वाला था। सामीप अमित मतलब भी भगवान के निकट रहना। वाह, देखिए कितने महान महान आत्माएं हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सोच रहे कि मैं भागवत कथा सुना रहा हूँ, अरे यहाँ पे तो भागवत के प्रवचन करता बैठे हुए हैं। मुझे एक घटना याद आया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रवचन करते थे, तो मान लीजिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ श्लोक बोल रहे थे, बोलते बोलते अटक गया, तो उनके जितने सारे सन्यासी शिष्य थे इतने क्वालिफाइड थे, अगर मान लीजिए अटक गया तो दूसरा शिष्य वहां से चालू कर देता था, इतने क्वालिफाइड शिष्य थे। तो ऐसे आप लोग कितने महान आत्माएं हैं। जैसे मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, सालोक को, सामीप को, सारे, देखिए एक बार में आप लोग बोल दिए, कितने महान आत्मा है, कितना स्टडी करते हैं। चलिए, आप लोग के चरण धूलि अगर मेरे माथे पे अगर मिल जाए तो मेरा जीवन कल्याण हो जाएगा। तो ये पांच प्रकार के मुक्ति है। सामीप्य मतलब भगवान के निकट रहना। इसका एग्जाम्पल, जब जगन्नाथ पुरी में महाप्रभु थे तो नित्यानंद प्रभु भक्तों को लेकर, हरिदास ठाकुर सभी एक साथ वो लोग आते थे हर बार जगन्नाथ रथ यात्रा के टाइम। तो भक्तगण इतना आसक्त थे महाप्रभु के सानिध्य में रहने के लिए, तो महाप्रभु ने आदेश दिया
क्या है वो श्लोक? सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास अमर आज्ञाएं। क्या है श्लोक? आप लोग बोलिए, आप लोग महान पंडित है। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, वर्ती घरे घरे करो ये भिक्षा, भजो कृष्ण लोहो कृष्ण करो कृष्ण नाम। हाँ भजो कृष्ण करो कृष्ण लोहो कृष्ण नाम। हाँ उसके बाद एक लाइन है। तो यहाँ पे नित्यानंद पर वो हरिदास ठाकुर को क्या बताया कि हे नित्यानंद हे हरिदास, प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी आने का जरूरत नहीं है। आप लोग बंगाल में रहते हुए यहाँ पे प्रति घर घर में जाके प्रचार करो, नामहट्टा का स्टार्ट करो प्रचार प्रसार, प्रति घोरे घोरे गौरव ये शिक्षा भिक्षा कि क्या शिक्षा और क्या भिक्षा कि भगवान का नाम लो, भगवान को अपने जीवन का सेंटर पॉइंट बनाओ। हाँ भजो कृष्ण लोहो कृष्ण परो कृष्ण सीखा। तो सामीप्य चाहते थे भक्तगण महाप्रभु का कि सब समय उनके साथ में रहे, लेकिन भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है, इसीलिए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने वही किया जो महाप्रभु चाहते, अर्थात मुक्ति से भी बढ़कर। तो टॉपिक क्या था, हम लोग किस विषय में चर्चा कर रहे थे? हम लोग चर्चा कर रहे थे गुणात्मक। हाँ भगवान की जो करुणा है और भगवान का जो क्रोध है, बोथ आर सेम। हाँ दोनों ही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो नारद मुनि को पूछा युधिष्ठिर महाराज कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि हम लोग भेदभाव करते हैं लेकिन भगवान भेदभाव नहीं करते। तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि प्रेम का आदान प्रदान करने से, प्रेम से अगर मैं रिटर्न कर देता 10,000 तो बाद में 10 लाख रुपया मांगने से भी हमारे शताब्दी माता जी के माँ मुझे दे देते, ठीक है। लेकिन क्रोध में जाके बोला कि रोज रोज ये ताना सुनना, लो आपका 10,000 रुपया, मुझे नहीं चाहिए, इसे क्रोध में फेंक दिया। अभी आपको पैसा तो लेना है क्योंकि पैसा को आप डस्टबिन में डाल नहीं सकते, वो साक्षात लक्ष्मी है, मधु है वो, चाहे क्रोध से मिला या प्रेम से मिला। तो भगवान भी, अरे मेरा नाम तो कर रहा है कम से कम, चाहे भयभीत होकर करे या गोपियों की तरह अनुकूल भाव से करे, दोनों का रिजल्ट एक है। क्या? कृष्ण प्राप्ति। एक प्राप्ति क्या है, एक बार 10,000 रुपया मिल गया तो कभी उनको उधार नहीं दूंगा। भगवान बोलते एक बार तुम मेरे धाम में आ जाओ, तुमको जाने ही नहीं देंगे कहीं पर, ये जो भटकने दिया था स्वतंत्र छोड़ा था तुमको, साजुज मुक्ति में तुमको मिला देंगे, ठीक है। और जो आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान, हे प्रभु आप मुझे आज 100 रुपये का इनकम दिया, चलिए मैं तुम्हारे लिए भोग लाया, ये ग्रहण करो गुलाब जामुन खाओ। तो भगवान बोलते कल तुमको 1,000 रुपया दूंगा, फिर दूसरे दिन रसमलाई लेके आएंगे भक्त, तो भगवान बोलते अगले दिन तुमको 1,00,000 रुपया दूंगा। तो भक्तगण बोले कि मैं पूरा सुलभ किचन का फीस आज दे दूंगा, सभी ब्रह्मचर्य के खाएंगे। तो भगवान बोले तुमको मैं मायापुर का राजा बना दूंगा। तो ये जो आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान, ये प्रीति अनुकूल भक्ति रसा में सिंधु में वर्णन किया गया है कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम, कि भक्ति वही है जो अनुकूल भाव से किया जाता है, अर्थात प्रेम से। प्रतिकूल से किया जा सकता है, करते हैं लोग, लेकिन उससे एक बार फिक्स हो गया तो वो पश्चाताप कर रहे, उनको उधार दिया हूं मैं, एक बार आ जाए फिर उनको कभी दूंगा ही नहीं। तो ऐसे ही भगवान बोलते एक बार तुम मेरे धाम आ जाओ, कहीं नहीं भेजेंगे तुम्हारे लिए, यही पर स्टॉक। तो आप लोग संधारती कब देंगे? यहाँ पे तो 5 मिनट समय है ये मीटिंग खत्म होने का, एक दूसरा मीटिंग ज्वाइन करें या संधारती के लिए जाएंगे या कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए तो कल से जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्लास 4 बजे से, तो आराम से 2 क्लास हम लोग अटेंड कर पाएंगे, 40 40 2 मिनट, 2 बार 40 40 80 मिनट का। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करके यहीं पर विराम देंगे क्योंकि अभी तो ठंडे का दिन है ना, अभी एकदम पूरा अंधेरा हो गया, अभी संधारती देने का टाइम है ना।
कुछ क्वेश्चन है तो बताइए जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी इच्छा इच्छा के लिए ही जो जा रहे, इच्छा कैसे हम मारे, जो भगवत धाम बोले ना इच्छा रह जा रहा है इसीलिए यहाँ पे बार बार जन्म मृत्यु हो रही, इच्छा को कैसे मारे। इच्छा को मारा नहीं जा सकता। आप बोले ना भौतिक हाँ इच्छा पूरा कर, भौतिक इच्छा एक बार पूरा करेंगे ना तो उसी वही माइंड में आता रहता है ना, जैसे आप बोले गाना सुन लो तो माइंड में वही गाना ही चलता रहेगा है ना, मैं तो सुनता जैसे हूं। आप हाँ ना, लेकिन हम जब ये थोड़ा भौतिक हम एक गाना सुन लिए ना तो माइंड में ये हरे कृष्ण की जगह वो भौतिक गाना आता आने दीजिए उनको, सुनाते रहिए, कब तक वो नहीं थकेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, है, गाना गाते गाते याद आ जाता है जो हरे कृष्ण मंत्र बोलना है तब हम स्टॉप करते हैं। नहीं, आपको थोड़ा बैलेंस करना है, क्योंकि एक साथ में अगर पूर्ण वैराग्य ले लेंगे ना तो वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा बैलेंस कीजिए। मान लीजिए कि आपको बहुत गाना याद आ रहा है, शोले पिक्चर का या पुराना किशोर कुमार का, ठीक है, जो आपके पिताजी पहले शॉर्ट मीडियम रेडियो में लगाते थे, विविध भारत में आता था, इस्कॉन से जुड़े नहीं थे, तो वही गाना अभी याद आ रहा है। और अभी आप हरी नाम जप करें, वही गाना याद आ रहा है, यूट्यूब है, सुन सकते हैं। तो ठीक है, अगर बहुत मन सता रहे ना, 2 मिनट के सुन लीजिए, और सुनने के बैठ मन कहेगा तुम्हारा नौकर हूं क्या, तुम्हारे बाप खिला रहे मुझे, ऐसे चप्पल से मारूंगा ना, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले वैसे मन को चप्पल से और झाड़ू से मारना है। तो पहले उनको सुनाइए, उनको जब इच्छा है सुनने का, ठीक है, सुनाइए। जब 2 मिनट से ज्यादा पकड़ तब उसको बहुत डांटना है, तुम्हारे बाप का गुलाम हो क्या, तुम मुझे खिला रहे है? हरी नाम मिला है, कितना करुणा करके इस्कॉन के डिवोटी हमें दिया है माला झोला, और तुम अभी बाजी करके गाना सुनेंगे, ऐसे तुमको मारेंगे, तुम कहाँ पे जाके। तो ऐसे जब आप मन को बोलेंगे ना तो इच्छा भाग जाएंगे, और वो भौतिक इच्छाएं आध्यात्मिक इच्छाएं बन जाएंगी। इसका और भी विस्तार से बोला जा सकता है, लेकिन विस्तार के लिए तो क्लास है। इच्छा को जस्ट मैं शॉर्ट में बोला। और कुछ क्वेश्चन है माता जी, आपकी माँ का कुछ क्वेश्चन है, हाँ हमारे श्री राधे राधे माता जी का कुछ प्रश्न है, और एक माता जी जुड़ी है, उनका नाम श्री राधे राधे आ रहे, इसीलिए विंध्याचल माता, हरि हाँ बोल, विंध्याचल महतो है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा बोलिए, प्रभु सब कुशल मंगल है। जी, हाँ सब ठीक आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? है। हाँ वही क्वेश्चन मैं पूछ रहा था कि अगर कोई गुरु अपने चेला का निंदा करे तो उस टाइम क्या करना चाहिए। कोई गुरु अगर सच्चा गुरु होगा तो वो निंदा भी करता है चेले को, तो चेले की भलाई के लिए करता है, ठीक है। तो और दूसरी बात यह कि आजकल के गुरु चेले को तो निंदा नहीं करेंगे, सच्चा गुरु कभी भी निंदा नहीं करता किसी का, चेला की बात तो क्या, वो किसी का भी निंदा नहीं करेंगे। तो आपको अगर निंदा करे तो आप एक चीज समझ लीजिए, वो आपके गुरु है ही नहीं। अच्छा ओ हम लोग ये जानते हैं रामानुजाचार्य का जो गुरुदेव था, तो वो तो प्लान किए थे रामानुजाचार्य को मारने का, कुएं में, जब एक जंगल में ले जाऊं और कुएं में उसको धकेल दूं, क्योंकि उससे ज्यादा पावरफुल हो गया था रामानुजाचार्य, ज्यादा फेमस हुआ था, तो इसीलिए अच्छा गुरु नहीं था वो, एक रामानुजाचार्य का जो दूसरा गुरु थे। तो कल कोई बात नहीं, कल हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। 1 मिनट समय, ऑटोमेटिक जूम बोलेंगे कि तुम लोग हट जाओ यहाँ से, 1 मिनट में ऑटोमेटिक ऑफ ऑफ हो जाएगा, तो उससे पहले ही हम लोग विराम देते हैं, वो हमें क्यों ऑफ करवाएंगे, हम उनको ऑफ करते हैं, ठीक है। जय गणधरा श्रीमद भागवत महापुराण की, जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, जय समवेत घोर भक्त बिंद की, जय 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 जूम क्लास की। जगन्नाथ जय प्रभु की जय, जय जय जगन्नाथ प्रभु की जय, हरि बोल हरे कृष्ण। निताय घोर प्रेमानंदे हरि।